wait is over. In this video, I'm going to take you on a virtual travel experience to Ooty. Ooty is a beautiful place in Tamil Nadu. And if you're a fan of natural places and lush green landscapes, then you will fall for this place with single child. अगर थोड़ी दिन के लिए आप सिटी से बाहर आकर और काम छोड़कर इफ़ यू लुक अराउंड योर आईज विल बी फील रिलैक्स्ड और यार ये पहाड़ों को देखने का सुकून कुछ अलग ही होता है. इट्स लाइक अ फीडिंग योर सोल विथ नेचर एंड कामनेस. सो आई एम राजा, यू आर वॉचिंग SRK 360. ये है अनिकेस, जहाँ भी जाता है वहीं शुरू हो जाता है, तो हम उसको बुलाते हैं द हिप हॉप गाय. सभी ट्रैवल कर रहे हैं ऊटी, तो ऊटी जाने से पहले, पहुंचने से पहले ये चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो करना है कर दो. पॉन्डिचेरी ब्लॉग में आप इस पहचान सकते हो साई बॉय अभिषेक. तो ये अभी है साई बॉय, वो तो कैमरे देख के उसको कुछ हो जाता है. ये अभी अभी है जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है और पिछले वाले वीडियो देखा है, तो वो पहचान जाएंगे ये कौन है. ये बहुत साई है, काइंड ऑफ साई गाय. अभी चेंज हो गया. एक्चुअली तमिल मूवी इज गुड, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई सेड लाइक दिस. डोंट टेक लाइक डिफरेंट वे. आई जस्ट टोल्ड लाइक जोकली, आई जस्ट टोल्ड. चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में बने रहिए. अभी शुरू होने वाला है इसी ऊटी का ट्रैवल सीरीज, पूरे 3 दिन तक चलेगा यहाँ से. ठीक है, 3 दिन देन लेट्स मीट अगेन इन ऊटी. या तो अभी हम आपको सीधा ऊटी ले चलते हैं. रेडी होके अभी जा रहे हैं, होटल से निकल गए, अभी हम जा रहे हैं डोडा बेटा. राइट, डोडा बेटा जा रहे हैं. तो पैकेज लिए थे, तो 3 दिन का टूर है, तो आज 6 या 7 जगह पे कवर करना है हमको. ये कैब हमने बुक किया था, तो आपको कौन से एजेंसी में आपको लेना है जो कैब वगैरह सब कुछ, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. और जो हम फिर हम जहाँ पर रह रहे हैं, वो स्टे कर रहे हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो चलिए वन बाय वन घुमाते हैं आपको. ठीक है, तब तो वेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो, इसको यूज करो, आराम से यूज करो नोटिफिकेशन बेल आइकन को. तो अभी के लिए थोड़ा व्यू भी देख लिया करो, अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर और लाइक नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं. हाँ भैया, हमको लेने आए हैं संतोष भैया, वो भी आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में. मैं आपको दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट तो हुआ है, जर्नी स्टार्ट हुआ है. और तो एक बात ये कि ये हिंदी जानते हैं, आना है हाँ। तो इनको कांटेक्ट करके आइए. अच्छा है, तो सब कुछ डिटेल्स में दे दूंगा. एजेंसी कौन सी एजेंसी लेना है आपको? एजेंसी जो हम लिए हैं उसमें इंक्लूड किया गया है होटल, 3-स्टार होटल दे रहा है और आपको कैब भी देगा पूरा. आप जिसमें भी आएंगे, स्टेशन से आएंगे या फिर बस स्टॉप से आएंगे, तो आएंगे तो वो भैया जो है तो आके आपको पिकअप करेंगे और जाने के टाइम तक आपको वो ड्रॉप करके जाएंगे. तो तब तक आप जितने दिन भी रहेंगे उसी हिसाब से वो पैसा लेंगे. तो और बाकी जो जो चाहिए वो राजा भैया है, वो वीडियो में सब डाल देंगे. एजेंसी का मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, तो हर मोमेंट पे वो आपको अपडेट दे देंगे वो व्हाट्सएप पे. कुछ मोमेंट आप एंजॉय करो, तब तक मैं आपको दिखा दूंगा डोडा बेटा. तो आफ्टर बी रोल विल सी यू. Thank you.
अभी हम डोडा बेटा में पहुंच गए तो संतोष भैया ने हमको ड्रॉप करके चले गए। तो यहाँ और रास्ता का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग था, जहाँ भी देखो फॉगी फॉगे, तो लिटरली आपको पता चलेगा कि इट्स जस्ट लाइक अ हेवन। यस लिटरली यू फील इट। आपको रास्ता मतलब कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा, इतना फॉग है। और आगे भी है तो वो भी व्यू दिखाएंगे। ये डोडा बेटा व्यू एक व्यू है जो कि नंदी हिल जैसा ही है, अभी दिखा रहे हैं। नंदी हिल में जैसे भीड़ रहता है सब है, इधर भी वैसा ही है। नंदी हिल में जैसे बीच में घर होगा वैसा ही है, लेकिन यहाँ का नजरिया रास्ता का व्यू ना उफ हेवन। और जल्दबाजी में हमें गलत करके बैठे, मतलब कि गिम्बल भूलना भूल गए गिम्बल लाने के लिए, तो अभी हाथ को गिम्बल जैसे यूज करना पड़ रहा है। भैया को रिक्वेस्ट करेंगे, भैया चलिए गिम्बल लेके आ इधर तो घास फूस नहीं खाएंगे, लेकिन इधर मिल रहा है घास फूस नहीं खाएंगे। अच्छा यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा यहाँ पे टिकट कटना पड़ता है। तो अनिकेश ने अनिकेश चाह रहे हो टिकट काटने के लिए, तभी आप देख सकते हो टिकट का फेयर कितना है, 10 रुपीज। तो अगर आप कैमरा लाते हो तो इसके लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो अनऑथराइज कैमराज नॉट अलाउड हियर, नॉट अलाउड। 500 रुपीज फाइन। तो वैसे यहाँ पे फॉग नहीं है, इतना ज़्यादा फॉग नहीं है। वो रास्ता बहुत अच्छा था यार। हाँ वो रास्ता अच्छा था, सोचे थे यहाँ। क्या आपको पता है डोडा बेटा का मतलब क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। डोडा मीन्स बिग एंड बेटा मीन्स माउंटेन। तो आप बोल सकते हो कि बिग माउंटेन ऑफ नीलगिरी पहाड़। चाहे आप दोस्तों के साथ एक एडवेंचरियस ट्रिप या फिर आपके परिवार के साथ आराम से घूमने का प्लान, डोडा बेटा पीक मेक्स ए परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट एडमिस्ट मैजेस्टिक हिल्स एंड मिस्टिक क्लाउड्स। द फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया नेक्स्ट टू अन्नामुदी मनमलाई एंड मिसापुलीमला। बट डोडा बेटा पहाड़ नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊँचा पर्वत है। अगर आप जाने के लिए सोच रहे हो डोडा बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ ऊटी से 10 किलोमीटर दूरी पर है डोडा बेटा का पहाड़, आप वहाँ पर जरूर जाइएगा। ऑक्सीजन बहुत कम है ना, पूरा हाइट हाइट में है ना। डोडा बेटा बहुत ही ऊंचाई प्लेस है, ऊंचाई पे दिखा दीजिए ना पीछे का नजारा, फॉगी फॉग। अब पहले जब आए थे हम यहाँ पे तो उसका नज़ारा, और अभी मैं जो दिखाऊंगा आपको ये आप बहुत कंपेयर कर लो, और आप बोलोगे कि ठीक है ये टॉप हिल स्टेशन है। अभी टाइम भी देख लीजिए कितना हुआ है, टाइम दिखाओ। 12:32 ऐसा नजर है। तो सीन कुछ ऐसा है, यह है डोडा बेटा का हिल स्टेशन। तो ये डे वन से शुरुआत हुआ है हमारा डोडा बेटा से, ये अभी तक तो बहुत ही अच्छा गया है। आगे चलते देखते हैं क्या होता है। आज हम कवर करेंगे छः प्लेसेस ना, अभी ब्रो आप कुछ नहीं बोले तब से,
कुछ हो जाए, मैं सही टाइम पे बोलूँगा, अभी टाइम नहीं आया है तो पहुँचने वाले हैं, कुछ अच्छा नज़ारा एंजॉय करने। सो यू गाइस यू रिमेंबर हिम ना, ही इज अ काइंड ऑफ साई गाय। अभी लेकिन बदल गया है, अभी ये बदल गया है, सीरियसली अभी बदल गया है, अभी उसके अंदर तो जान निकल गया गया। वो वीडियो कैसे, वीडियो में बात कर, पहले बुलाती थी मगर नहीं जाते थे, अभी बुलाती है तब भी एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ नजरिया हो गया इनका, ये भैया का देखिए कितना मासूम चेहरा है इनके, ठीक है। तो वो राजा ब्रो के बारे में बोलूंगा मैं, लेकिन अगले वीडियो में बोलूंगा, कुछ सोच के बताऊंगा। अभी बुलाती है तो चली जाती है। ये है संतोष भैया, हाय बोल दो संतोष भैया। बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर है, बहुत ही हेल्पफुल, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड टोटल सपोर्टिव। वो बिलीव नहीं करोगे, हम लोग जब तक चेक इन नहीं किए थे, रूम नहीं मिला था, हम लोग सुबह जल्दी पहुंच गए थे, तब तक भाई हमको छोड़ के नहीं गए थे, पूरा वेट किए थे, तो वही से समझ सकते हो। थोड़ा रुकेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हाउ योर एक्सपीरियंस इन दोदा बेटा? If I'll give IMDb rating na, then I'll give 9.5 out of 10. It was really nice. Yeah, exactly. Bahut hi shandar place. It's like we're in heaven. See, now time is 12:41. Till fog. Everywhere is fog. Just only smog. Foggy road. Abhi tak saans nahi ruk rahe. दोदा बेटा के कुछ मोमेंट एक्सप्लोर करने के बाद ये तीन दोस्त अगले सफर की तरफ निकल पड़े। लेकिन अगर आप ऊटी में हैं तो बारिश से बचना तो मुश्किल है। इस बारिश में ये तीन दोस्त चाय पीने के लिए टी फैक्ट्री और टी म्यूजियम चले गए। वहाँ चाय की स्वाद के साथ साथ ये तीन दोस्त कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। तो अभी बारिश हो रहा है और ऊटी में बारिश ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, तो अभी बारिश हो रहा है ऊटी में। अभी हम आए हैं टी फैक्ट्री, तो यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे टी फैक्ट्री में और चाय भी पियेंगे। और पहुंचने से पहले आपको इस तरह एक टैग पहनाएंगे वो लोग, हाँ, उसके बाद आप लोग एंट्री करिएगा। कुछ 10 रुपये ऐसे ही लेते हैं वो, चार्जेस वगैरह लेते हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस है। तो अरे यार आनी किस ले गया, ये हिप हॉप गाय है हमारा। एक बार सुनो, ऊटी में ऐसे जो बारिश हो रहा है ना, उसके साथ गर्मा गर्मा चाय, तो वही पीने के लिए वो फैक्ट्री में आ चुके हैं। तो उसके साथ अगर उड़ीसा को वो पकौड़े मिल जाता ना बेसन वाला, अरे हाँ और मज़ा आता है। तो अभी चलिए, अभी तो पकौड़े अवेलेबल नहीं है, तो चाय ही मज़ा लेते हैं ऐसे बारिश में। एक बात बताऊँ, वो व्यूअर्स को पता नहीं है हम उड़ीसा से, सॉरी 3-4 वीडियो डालने के बाद अभी रिवील कर रहा है वो अनिकेत को कि ओडिशा से हमें। तो अभी बारिश हो रहा है, बहुत जोर से बारिश हो रहा है, लिटरली लोग एक्सपेक्ट नहीं था वो बारिश होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए ये प्लेसेस, बिकॉज बहुत जोर से बारिश हो रहा है, आपको देख के पता चल गया होगा। हाँ, जैकेट और स्लीपर लाना भी मत भूलना है भाई, जो रूम मिलता है ना नीचे वाला पूरा बहुत ही ठंडा है, बहुत ज्यादा। अभी इसीलिए इसको बोलते हैं ना क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। तो बारिश भी होगा, दिखाते हैं एक मस्त व्यू। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज गाइस, सब्सक्राइब कर लो। सो इसीलिए बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो, वो सपोर्ट मिल जाएगा मुझे।
चाइना का बात है, चाइनीज का एक माइथोलॉजिकल एक इंसिडेंट है। वहाँ के जो राजा थे, रूलर जो थे, वो ये सोचते थे कि हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पानी को गर्म करके पीना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ ना, समर डे था, तो कुछ पानी गर्म करके ऐसे पी रहे थे, तो साइड में कुछ बुशेस थे, कुछ पेड़ वगैरह थे, तो वहाँ से कुछ सूखे पत्ते, ड्राइड लीव्स, पानी में गिर गए। गिरने के बाद उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया, ब्राउन जब हो गया तो तब उनको पता चला कि ये कुछ तो है चेंज है, और उसको पीने के बाद उनको और रिफ्रेशिंग फील हुआ। तो इसीलिए उसके बाद तब से दिस इज द ओरिजिन ऑफ द टी। और ये देखिए, यही वाले पत्ते गिरा था चाइना में, तो ये चाय के चाय का शुरुआत हुआ। ये पत्ता 5000 साल पहले, ये पत्ता है। घास फूस का उसे राजा भैया, आप लोग कुछ घास फूस खाए थे ना पौंडी में? फ्रेंच कॉलोनी में 880 रुपए देकर घास फूस खा के आ गए थे। तो आज का लंच के क्या रेटिंग देंगे आप? भूख तो बहुत ज्यादा था, ठीक है, भूख तो बहुत लग रही थी। बिरयानी खा गए, बिरयानी खा के पेट भर गया। तो आज कंपेयर टू फ्रेंच कॉलोनी ये अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। अट 8 out of 10। 8 out of 10। तो अभिषेक भैया आप क्या देंगे? 6 out of 6। तो आपको अच्छा नहीं लगा बिरयानी? चिकन अच्छा से बॉयल नहीं हुआ था और टेस्ट सो सो था। ठीक है, फिर काम बड़ा है। पहले का प्लान, आज का ट्रिप कैसा लगा? ट्रिप अच्छा लगा, लेकिन ये बारिश में था तो आज ऊटी लेक में और एक राउंड बोटिंग कर सकते थे। एक लेक स्किप हो गया तो बारिश बहुत ही तेज बारिश हुई, मतलब कि रोड कम्प्लीटली फिल ऑफ वाटर पूरा। वो वीडियो में डाल दूंगा कि मतलब कि बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश है और रास्ता पूरा जाम हो गया था। ये पॉसिबल नहीं था जाने के लिए, वो लेक वो मना कर रहे थे, तो इसीलिए हम चले हैं। आप ये देख सकते हो, बेस्ट सजेशन रहेगा अगर बारिश के मौसम में आ रहा है कार ले जाइए, चलते हैं तो ये सब तो लाएं। और चाय भी बहुत सारे खरीद लिए हैं, चाय वो है 2000 रुपए का चाय खरीद लिया सब। हैंडमेड चॉकलेट भी लाए हैं और मतलब कि टेस्ट किए थे, देखते हैं कैसा लगता है। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार, इतना सारा चाय हम खरीद चुके हैं आज। और हाँ, यहाँ पर भी है दो, ये सारा चाय हम खरीदने टी फैक्ट्री गए थे, वहाँ से हम सब कुछ लेके आ गए, हर वैरायटी का चाय लेके आ गए। तो जो चॉकलेट भी मिलता है हम लोग ट्राई किए, अभी लाए हैं एक डिब्बा पूरा, ट्राई करके फिर जाएंगे चॉकलेट भर के। फिर से लाए, फिर से जाएंगे चॉकलेट, ये अच्छा लगा तो कल जाकर हम भर भर के ले आएंगे ऐसे ही बैग में। तो ये था हमारा ट्रिप का फर्स्ट डे, तो कैसा लगा यही पे वीडियो में क्लोज कर लेता हूँ, तो मुझे जरूर बताएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, इतना मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, थैंक यू।